पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चके देखे आ जा बे आ दिखला दे बे That's the way रॉक का रब्दा दोस का धक्का हमें बे बे छुड़ा दे छक्का पार चाहिए कौन? तू ही है वर्खा? वो कौन तुम? और तमीज नहीं है बात करने की? ए, हमें तमीज मत सिखाइए। जो कह रहे हैं उसे सुनिए आप। वो जो लड़की है ना कमली, उसको फौरन घर भेजिए उसके बाप के पास, समझे? भाई साहब यहाँ कोई लड़की नहीं है। ए, नहीं है तो ढूंढ ढूंढ के लेके आ, खोद के लेके आ, लेकिन लेके आ, नहीं तो तुम लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? ए, सुनो धमकियां मत दो यहाँ, समझे? कोई लड़की नहीं है, सुना नहीं? ए मैडम, धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो हमें भी पसंद नहीं है, हमें मजबूर मत कर। ए हीरो, समझा दे इसे, दो दिन में लड़की न घर पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो तुम लोगों के लिए बहुत परेशानी होने वाली है, समझे? कौन थे ये लोग? दीदी शंकर, दरवाजा बंद कर। दीदी, कमली, दीदी मैं घर नहीं जाऊंगी। दीदी मुझे माँ के पास नहीं जाना। नहीं घबराऊं, वो मेरी शादी करा देंगी। दीदी मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। बिल्कुल, मैं तेरे साथ हूँ पगली, कुछ मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे नहीं जाना। घबरा मत, हाँ हम सब मिलके देख लेंगे। आप मुझे मत जानो, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। पगली ऐसे मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत तू। एक बात बोलूं भाई, तू ना हमेशा कमाल करे, कमाल हर बार कुछ ना कुछ नया कर देता है ये। ऐसा क्या कर दिया यार मैंने? अच्छा ऐसा क्या कर दिया भाई, इतना बड़ा काम कर दिया हैं? अब अमेरिका ना जाने का फैसला कर लिया तूने, और वो भी किसी नेक काम के लिए। हाँ तुम तो मुझे निकम्मा सोचते हो ना। ऐसी बात ना यार, लेकिन वो जब सैमुअल सर ने बताया कि तू किसी की मदद करने की वजह से ना गया, अपनी फ्लाइट मिस कर दी तूने, तो यकीन से ना हुआ, लेकिन सुन के अच्छा बात लगा मुझे। बिल्कुल, मैंने ऐसा कोई महान काम नहीं किया भाई, बस उस वक्त जो दिल को सही लगा वही किया। हाँ जो दिल को सही लगा वो किया, जो दिल के करीब दोस्त था उनको बता ना सके था तू। यार सच बताऊँ तो पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब अपने आप होता गया, बाद में जब समझ में आया तो फ्लाइट जा चुकी थी और मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ दिल को सही लगा करता गया भाई, हम तेरे दिल के करीब ना है, अभी तो दोस्त हैं तेरे, हमें बताता कुछ? तुमने अभी अभी एडमिशन लिया है कॉलेज में, ये सब बता के मैं तुम्हें टेंशन में डाल देता। वाह तू ठरिए भाई, दोस्तों को दूर रखने का नया तरीका खोज निकाला तूने तो। हाँ बिल्कुल, और भाई करण हम कौन सा अपने कॉलेज में अपलातून बनने वाले हैं भाई, हैं कि हमारा दोस्त एक नेक काम में लगा रहेगा और मदद को भी ना आएंगे इसकी? मदद तो कर सकते हो यार, और अभी तो तुम्हारी मदद की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बरखा जी जो काम कर रही है ना, बहुत बड़ा काम है यार। यार कितनी अजीब बात है यार, हम लोग अपनी जिंदगी जीने में लगे रहे हैं, बस
ये ध्यान ही ना देते कि कितने लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो सके। हाँ यार, वैसे यार कमाल कर दिया तेरे बरखा जी ने, बहुत नेक काम कर रही है भाई, बहुत। यार राधे, यार करना तो हमें भी कुछ चाहिए यार। तुम्हें पता है यार, बरखा जी बता रही थी कि इतनी ठंड इतनी सर्दी में हजारों लोग ऐसे हैं जो सड़क पर सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, और हम लोग इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे नई कार लाएं, कैसे कोई बड़ी कार लाएं, और बढ़िया कार लाएं। यार मैं कभी कभी सोचूं ये दुनिया ना, यार ये दुनिया ऐसा ना हो सके कि इसमें कोई गरीब ना रहे, कोई कोई बिगड़ ना रहे, हैं? ऐसे भी तो हो सके। क्यों क्यों ना हो सकता, बिल्कुल हो सके। भूल गया सैमुअल सर क्या बोल रहे हैं, उम्मीद कभी ना छोड़नी चाहिए। भाई मुझे तो पूरी उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन करण, तेरी बरखा जी कहाँ रहे भाई, उनका ऑफिस ऑफिस कहाँ है बताइए। अरे वो है ना नई बस्ती, नई बस्ती की बैक रोड पे एक हैंडपम्प है, हैंडपम्प की बराबर वाली गली। अच्छा, अरे वो घंटा घर के पीछे की गली है ना, उसकी बात कर रहा। पहुंच जाएंगे कभी, बस अड्डे के आगे जाके बोल रहा है। पहुंच जाएंगे भाई, पहुंच जाएंगे। हाँ किस दिन आते हैं यार। आओ यार। अरे मैं तो निकलूं यार, मैं तो अब्बा ने बोला था मुझे दुकान भी जाना। अरे इंगे को जाके होंगे को निकल लियो ना। अच्छा हाय। हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें क्या होगा? और तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा? मतलब ये कि जाने दो। अरे बताओ ना क्या हुआ, नाराज हो? नाराज हम क्यों होंगे किसी से नाराज, और वैसे भी इंसान नाराज तो। हाँ बोलो। जाने दो। अरे दोस्त हो तुम्हारी, बताओ मुझे क्या हुआ। दोस्त हो तो बताओ ना। साथी जो दोस्त होते हैं ना, उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता। ऐसे क्यों बोल रही हो यार, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे। कुछ बातें ना स्वाति ऐसी होती हैं जिन्हें ना बताया जाए तो ही अच्छा। मुझसे भी नहीं, तुमसे। लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे, हम नहीं जानते थे। दोस्त ऐसे भी होता है। क्या बोल रही हो यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमसे नहीं अपने आप से पूछो, सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। क्या नाम है? Excuse me. इसमें आपको दो फोटो लगाने हैं, ठीक है? एक आपको अटेस्टेड और एक अनअटेस्टेड, और एक आई कार्ड की फोटोकॉपी। हेलो सर, सर मेरा नाम चेन्मय संगमा है सर, एक लाइब्रेरी कार्ड का फॉर्म देगा क्या सर? थैंक यू सर। अच्छा, इसमें आपको दो फोटो लगाने हैं, एक अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका, ठीक है? और आई कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है आपको इसमें। ये फॉर्म तो सर हिंदी का है। तो सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सर, मेरे को हिंदी नहीं आता है। यहाँ ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है,
इसलिए ये फॉर्म यही है, यही आपको भरना पड़ेगा। सर आप सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए सर। एंड सर इसमें सर फोटो सर सर एक ही लगाने का जगह एक इसमें स्टेपल कर देना आप, जो आपके आई कार्ड पे चिपकेगी। सर लास्ट सर सर ये नीचे सर ये कहाँ में क्या भरना है सर? क्या समय नहीं मेरे पास, आप अपने जाके भरवा लेंगे। सुनिए आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बता देता हूँ। आप बताएगा? आप आइए प्लीज। थैंक यू सर। जा भाई समझा दी भाई इसको, ठीक है? देखो यहाँ पे पहले आपका नाम आएगा, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा पूरा एड्रेस आएगा, राइट? और यहाँ पे ये क्या लिखा है? नहीं 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 देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो है ना यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। और मेरे को ना सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। आ जाएगा धीरे धीरे। और हाँ मेरे को नहीं मुझे। ओके मेरे नो 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 मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। बट इट्स गुड। और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें बिजनौर में? इट्स नाइस बट थोड़ा अलग है। अलग अलग मतलब? मतलब लैंग्वेज अलग है और फूड भी डिफरेंट है और फेसेस भी तो अलग है। यही तो सबसे अच्छी खूबी है हमारे हिंदुस्तान की, यहाँ की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह का खाना। और बताओ तुम्हारे घर पे कौन कौन है? भाई बहन तो होंगे ना, खूब मजे करते होगे तुम लोग। हाँ नो एक बिग ब्रदर है, वो कैलकटा में जॉब करता है। ओके घर पे मैं, मॉम, डैड। मैंने बोला था ना डैड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। यस यस या फॉरेस्ट ऑफिसर है। बस हम रहता है। तुम्हारा डैड क्या करता है? मेरे वो मैंने बताया था ना, काम करते हैं मेरे फादर। हाँ बट क्या काम करता है? हाँ वो काम करते हैं, जॉब करते हैं। अरे अरे हाँ मुझे याद आया, तुम्हें पता है अभी हमारी क्लास में एक चैप्टर था मेघालय से। तुम मेघालय से हो ना? मेघालय के ऊपर मैंने देखा था, वो इधर ही कहीं होगा। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। वो यहीं पर है, यहीं तो था वो चैप्टर, बड़ा अच्छा चैप्टर है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ। ये बुक तो पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस? नहीं। अच्छा ओ इसमें था मैंने देखा था, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये अभी तो था यहाँ, कहाँ चला गया पता नहीं, इधर ही था वो। ये पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का बुक? हाँ शायद इसमें। चलो मुझे क्लास में देर हो रही है, तुम आ जाओ। हाँ फाइनली एडमिशन का काम तो हो गया। हाँ अच्छा ये बताया क्लासेस कब से स्टार्ट है? आई थिंक नेक्स्ट वीक से है। बहुत मौज मस्ती हो गई, लगता है अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। कर तो लेनी चाहिए। अच्छा शाम को चलें बुक्स लेने? नोट्स तो मिलेंगे ना कॉलेज से, बट मे बी हमें कुछ बुक्स खरीदनी पड़े। बुक्स तो चाहिए होंगी यार। ठीक है तो शाम को चलते। चल पड़े, एक सेकंड यार फोन आ रहा है। हेलो हेलो करण।
हाँ या बरका, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? करण प्लीज तुम यहाँ आ सकते हो जल्दी? क्या हुआ बरका, बताओ। वो कुछ लोग ऑफिस के बाहर चक्कर काटते दिख रहे हैं, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तुम चिंता नहीं करो बरखा, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी, आई एम कमिंग, ओके? यू डोंट वरी। मुझे चलना होगा यार, मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा, सॉरी। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। कुछ प्रॉब्लम? हाँ मैं बाद में बताऊंगा। बरखा, शंकर, बरखा, कौन है भाई तू? अभी तो यहाँ कोई ना। हाँ तुम कौन हो? मैं दोस्त हूँ बरखा का। ये दोस्त है मैडम का। अच्छा अच्छा, तो तू दोस्त है मैडम का है? कहाँ है तेरी मैडम? मुझे नहीं पता। तुम ये सब तुमने किया? हमने करा है। और कह दिया अपनी उस मैडम से पचाना पाने के उस लोंडिया को। ए क्या कर लोगे? होश में आओ, होश में निकलो यहां से, चलो। यू तो भाई कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। डेढ़ हिमायती लग रहा दिखा उस मैडम का, इसे ही उठा लें। सांस ले ले सांस। ज्यादा उठा पटा के चक्कर में ना रहे, पछताना पड़ जाएगा वरना। चल पिछड़, हाथ मत लगा दियो गलती से भी। हलवा है क्या? करण उठा के ले चलो। करण माजरा क्या है सब? कुछ नहीं यार, छोटी सी बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जिसकी माँ जबरदस्ती किसी बुड्ढे से शादी कर रही है। ओ क्यों भाई, सही कह रहे हैं? अरे तो तुझे क्या फिक्र हो रही है, तू बाप है क्या उसका? ए तमीज से, दोस्त है मेरा, समझा? करण हॉकी ले इसकी। ए भाई बोलो, चलो। सही ना कर रहे हो तुम यू सब, अगर भाई जी को पता चलेगा ना छोड़ने के नाम है तुम्हें। सही क्या मां बताओ, सही समझाओ अभी। अपने भाई जी को जाके बोल दियो ये नकली भादरी अपने पास रखे। चल बोली बोले, अरे चलो ना।
एक लफ्ज मेरी जेब से बाहर निकल के आ गया, सीढ़ी लगा के ताक से उसने उतारा एक लफ्ज, लफ्जों के इसी मेल से जीवन को मानी मिल गए।